हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू दी चैनल लास्ट मिनट रिविजन विद आर एस एम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर स्मार्ट रिविजन ऑन मार्केटिंग तो आज हम मार्केटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे एंड आई होप कि आप सभी को जो इकोनॉमिक्स का सेशन मैंने दिया था वो काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा बहुत सारे क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए थे उसी में से आपके क्वेश्चन बने हैं और पेपर ओवरऑल काफ़ी ईजी था तो so, अब हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ मार्केटिंग अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो जैसे मार्केटिंग का सिलेबस है अगर हम सिलेबस की बात करें तो फर्स्ट हमारा जो मॉड्यूल है मॉड्यूल नंबर वन जो है दैट इज़ बीन रिलेटेड विथ इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग तो सबसे पहला हमारा जो मॉड्यूल है दैट इज बीन रिलेटेड विथ इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग अभी अगर इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग की बात करें मार्केटिंग आप सभी को पता होगा इट इज़ बेसिकली ए सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेस विच विल बी हेल्पफुल इन कम्युनिकेटिंग डिलीवरिंग एक्सचेंजिंग दी ऑफरिंग्स टू दी कस्टमर्स एज वेल एज दी प्रोवाइडिंग वैल्यू टू दी कस्टमर्स इज द बेसिक पॉइंट इन द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग अगर हम मार्केटिंग से रिलेटेड बात करें तो मार्केटिंग के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पढ़ने हैं वो है इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो मार्केटिंग के कंसेप्ट है वो आपको सबसे पहले पढ़ने हैं जैसे कि अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो आप सभी ने कंसेप्ट तो ऑलरेडी पढ़े होंगे थोड़ा सा एक रिविजन कर लेते हैं एक्सचेंज कन्सेप्ट प्रोडक्शन कंसेप्ट प्रोडक्ट कंसेप्ट सेलिंग कंसेप्ट मार्केटिंग कन्सेप्ट सोशटिल कंसेप्ट रिलेशनशिप मार्केटिंग कंसेप्ट एंड होलिस्टिक मार्केटिंग ऐसे आपके बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं ठीक है थीके? तो हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले मॉड्यूल नंबर वन से कंसेप्ट को पढ़ना है भले कंसेप्ट के क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछे गए तभी भी कंसेप्ट से आपके ऑब्जेक्टिव्स तो बनने वाले हैं अगर हम मैनेजमेंट अगर हम मैनेजमेंट से रिलेटेड बात करें या हम अगर कंपनी के ओवरऑल सेल्स रिलेटेड बात करें या फिर अगर हम कंपनी के ओवरऑल मार्केटिंग के रिलेटेड बात करें तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो कंसेप्ट जो भी आपके कंसेप्ट होंगे उससे रिलेटेड तो आपको इसमें क्या पढ़ना है कि कौन से कौन से कंसेप्ट पहले आए थे इवोल्यूशन कैसे हुआ था कंसेप्ट का फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग भी आपके बुक्स में दिया होगा वो भी एक जस्ट वन टाइम गो थ्रू करके रखें फिर एक दूसरा पॉइंट आता है इसमें विच इज कॉल्ड एज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट या स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट बेसिकली वी विल बी फोकसिंग मोर ऑन स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट तो स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है ये बेसिकली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो कंपनी के ओवरऑल गोल्स होते हैं कंपनी के ओवरऑल टारगेट्स होते हैं या ओवरऑल जो भी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कंपनी के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को क्या करते हैं हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अचीव करने का काम करते हैं तो इफ़ वी आर फॉलोइंग अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देन इट इज बीन कॉल्ड एज स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट तो स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट के कुछ एलिमेंट्स है या कुछ स्टेप्स है वो भी आप एक बार पढ़ के रखना फिर हम अगर इस चैप्टर uh, की बात करें तो इसमें और एक चीज़ है जो आपको ओवरऑल एक बार रिवाइज करके जाना है वो है ट्रेडिशनल वर्सेस स्ट्रैटेजिक स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट ठीक है ट्रेडिशनल वर्सेस व्हाट? स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट तो स्ट्रेट मार्केटिंग मैनेजमेंट तो मैंने अभी आपके साथ बात की और ट्रेडिशनल uh, uh, अगर मार्केटिंग की बात करें तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में मेजर फोकस हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे होता था लेकिन स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट में हमारा जो मेजर फोकस है वो गुडविल बनाने के ऊपर है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर है कंज्यूमर लॉयल्टी के ऊपर है तो ये सारे पैरामीटर्स भी हम स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट में देखते हैं दैट इज़ द मेजर पार्ट रिलेटेड विद योर ट्रेडिशनल एंड मार्केटिंग फैक्टर सो so, ये आपको यहाँ से पढ़ना है दैट इज़ बीन ट्रेडिशनल एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट नेक्स्ट हम अगर बात करें तो आपको मार्केटिंग रिसर्च के बारे में और एक डेटा माइनिंग के बारे में पढ़ना है अगर हम मार्केटिंग रिसर्च की बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द वास्ट टॉपिक और मार्केटिंग रिसर्च के साथ आपको मार्केटिंग रिसर्च के प्रोसेस को पढ़ के जाना है प्रोसेस और फीचर्स इसमें दो चीज़ें हैं तो अगर मार्केटिंग रिसर्च जो है वो क्या है बेसिकली सिस्टमैटिक एनालाइजिंग मॉडल बिल्डिंग फैक्ट फाइंडिंग डिसीशंस लेने के लिए इम्प्रूव्ड अच्छे डिसीशंस लेने के लिए मार्केटिंग रिसर्च जो है इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट तो मार्केटिंग रिसर्च के प्रोसेस मार्केटिंग रिसर्च के फीचर्स आपको पढ़ने हैं देन हमारा एक कंसेप्ट आता है विच इज़ कॉल्ड एज एम आई एस एम आई एस इज़ वॉट एम आई एस का मतलब होता है मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम ठीक है हम यहाँ पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं उसको प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट करते हैं और ये जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको सिस्टमेटिकली प्रेजेंट कर लेते हैं ताकि कुछ अगर मार्केटिंग रिलेटेड डिसीजंस लेने हो तो वो सारी चीज़ों को हम लोग यूज़ कर पाए अगेन मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है काफ़ी ईजी क्वेश्चन है और उसके कुछ एसेंशियल्स है प्री रिक्विजिट्स हैं कि कैसे होना चाहिए जैसे कि फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए अफोर्डेबल होना चाहिए सिलेक्टिव होना चाहिए एक बेस uh, बनना चाहिए फॉर डिसीशन मेकिंग फिर टेक्नोलॉजिकली एडवांस होना चाहिए ये सारी चीज़ें आपके मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम का एक पार्ट बन सकती है तो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स भी है जैसे कि अगर हम बात करें कि कंपनी के इंटरनल रिकॉर्ड्स के बारे में होगा फिर मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम होगा मार्केटिंग रिसर्च होगा फिर मार्केटिंग डिसीशन से रिलेटेड जो जो भी सिस्टम बनाया जाएगा वो होगा तो ओवरऑल एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है इसलिए मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में पढ़ना एंड सिमिलरली मार्केटिंग रिसर्च के बारे में पढ़ना मतलब ये ओ, ये दोनों चीजें आप अगर पढ़ लोगे तो इन दोनों का बाइफर्केशन आपका प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा फिर इस चैप्टर में एक काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है विच इज कॉल्ड एज डेटा माइनिंग ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसको पढ़ के जाना सो डेटा माइनिंग इज अ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बेसिकली हेल्प क्यों करता है या हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन में जो रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन होता है जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है इतना ज़्यादा डेटा हमारे पास आएगा उसमें से हम लोग क्या करेंगे उसमें से हम लोग डेटा को सेग्रीगेट करेंगे डेटा को माइन करेंगे दैट इज़ कॉल्ड एज द कंसेप्ट ऑफ डेटा माइनिंग जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा हमारे पास अवेलेबल है वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा में से जो डेटा हम हमको चाहिए उस डेटा को हम लोग डिफ्रेंशिएट करने वाले सेग्रीगेट करने वाले हैं तो दैट इज़ द कंसेप्ट रिलेटेड विद योर डेटा माइनिंग तो ये डेटा माइनिंग भी आपको यहाँ से पढ़ के रखना है अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है दैट इज़ कॉल्ड एज कंज्यूमर बिहेवियर तो कंज्यूमर बिहेवियर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट और एक एकदम सिंपल क्वेश्चन है जनरल क्वेश्चन है डिसीशन uh, प्रोसेस के रिलेटेड uh, जो पॉइंट है कंज्यूमर का बिहेवियर जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसमें आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ पढ़नी है दैट इज़ अबाउट द फैक्टर्स जो भी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं जो भी फैक्टर्स क्या करते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स है जैसे कि हम सोशल फैक्टर्स बोल सकते हैं जो रेफरेंस ग्रुप होता है फैमिली होती है सोशल स्टेटस होता है वो सारे आपके सोशल फैक्टर्स में आएंगे ठीक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसको आपको पढ़ के जाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन से फैक्टर्स हैं सबसे पहले अगर हम बात करें तो इट इज़ सोशल फैक्टर्स फिर ऐसे ही कुछ पर्सनल फैक्टर्स भी होते हैं जैसे कि एज है जेंडर है एजुकेशन है ऑक्यूपेशन है इनकम है लाइफस्टाइल है ये सारे आपके पर्सनल फैक्टर्स में कवर होंगे फिर हमारा नेक्स्ट जो फैक्टर आता है दैट इज़ कॉल्ड एज द साइकोलॉजिकल फैक्टर तो साइकोलॉजिकल फैक्टर में क्या होगा एटीट्यूड उसका बंदे का फिर परसिप्शन है मोटिवेशन है ऑल दिस पॉइंट्स रिलेट्स विद द साइकोलॉजिकल फैक्टर फिर कुछ आपके कल्चरल फैक्टर्स में भी आएंगे कल्चरल फैक्टर्स कल्चरल रिलीजन बेसिक फैक्टर्स वहाँ पे आएंगे फिर आपका होता है मार्केटिंग फैक्टर्स तो मार्केटिंग फैक्टर्स इज आल्सो इन्फ्लुएंसिंग द कंज्यूमर बिहेवियर जैसे कि आपने पढ़ा है फोर पीस प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन तो ये फोर पीस जो होते हैं वो आपके मार्केटिंग के फैक्टर्स में आएंगे फिर आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं जैसे कि इनकम है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या सेव होगा फैमिली में कितने लोग हैं फैमिली साइज कितनी है तो ये जितने भी फैक्टर्स अभी हमने डिस्कस किए हैं ये सारे फैक्टर्स आपको याद रखने हैं दिस फैक्टर्स आर इन्फ्लुएंसिंग दी कंज्यूमर बिहेवियर दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फिर एक मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ विच इज़ कॉल्ड एज एस ठीक है एस याद रखना है एस का एस का मतलब होता है सेगमेंटेशन टी का मतलब होता है टारगेटिंग और पी का मतलब होता है पोजीशनिंग तो अभी आपको जो कंसेप्ट याद रखना है दैट इज़ कॉल्ड एज मार्केट सेगमेंटेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ध्यान से समझना फिर पढ़ोगे तो काफ़ी इजी जाएगा सेगमेंटेशन या मार्केट सेगमेंटेशन को क्या कहते हैं हम हम ये पूरा मार्केट है फॉर एग्जाम्पल ये इस मार्केट को हम लोग क्या करते हैं सब यूनिट्स में या इसको हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं मतलब जो हैट्रोजीनियस मार्केट होता है हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है जहाँ पे डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन है तो हेट्रोजीनियस मार्केट को हम लोग क्या करते हैं हम लोग होमोजीनियस मार्केट में डिवाइड कर लेते हैं मतलब ए जो भी मार्केट में डिफरेंट 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 पॉपुलेशन है उस सभी को हम लोग सेग्रीगेट कर लेंगे और अलग अलग पॉपुलेशन को एक 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 यूनिट्स में डालेंगे एक 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 ग्रुप में डालेंगे विच इज कॉल्ड एज द कंसेप्ट ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन मतलब डिवाइड करना फिर मार्केट सेगमेंटेशन के ना कुछ बेसिस आते हैं वो भी आपको पढ़ना है जैसे कि डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन जोग्राफिक फैक्टर्स है फिर सोशोग्राफिक फैक्टर्स है साइकोग्राफिक फैक्टर्स है बिहेवरियल फैक्टर्स है काफ़ी ईजी है तो इसके बेसिस को भी आपको पढ़ के जाना है दैट इज़

तो अनलेस एड अन्टील कस्टमर्स आर सॅटिस्फाईड अवर बिझनेस कॅनॉट ग्रो फॉर दॅट पर्पज कस्टमर रिलेशनशिप मॅनेजमेंट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट पार्ट यहां पे हम लोग कस्टमर्स को एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ देंगे कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशन से काम करेंगे कस्टमर्स को जो जो चीज़ें चाहिए उस वे से उनको हम सर्विस देने का काम करेंगे तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में अगर हम बात करें तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है तो सबसे पहले आपको इसमें पढ़ना है इम्पॉर्टेंस और ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के कुछ टेक्निक्स भी है वो भी आपको पढ़ के जाना पड़ेगा डेटा वेयर हाउसिंग है डेटा माइनिंग है जो अभी हमने बात किया फिर जो कस्टमर के कंप्लेंट्स होते हैं उसको किस तरीके से हैंडल किया जाता है फिर कस्टमर्स के जो फीडबैक्स होते हैं उसको किस तरीके से मॉनिटर किया जाता है फिर सोशल मीडिया में हम किस तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं दैट बेसिकली कंसिडर्स एज द टेक्निक्स ऑफ सी तो सी आर एम इज़ वॉट कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पार्ट जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया दैट इज़ कॉल्ड एज टारगेटिंग ठीक है तीन चीज़ें मैंने आपको अभी बताई सेगमेंटेशन टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग तो आपको तीन चीजें याद रखनी है एस रेफर्स टू सेगमेंटेशन टी रेफर्स टू टारगेटिंग एंड पी रेफर्स टू पोजिशनिंग मार्केट टारगेटिंग भी आपको पढ़ना है बेसिकली अगर हम मार्केट टारगेटिंग की बात करें तो टारगेट कैसे कर सकते हैं हम मार्केट को तो इसके ना फाइव पैटर्न्स है ठीक है कितने पैटर्न है इसके फाइव पैटर्न से हम मार्केट को टारगेट कर सकते हैं सिंगल सेगमेंट में हमने कॉन्सेंट्रेट कर लिया तो सिंगल सेगमेंट में हमने कॉन्सेंट्रेट कर लिया वो उसका एक पैटर्न बन गया फिर सिलेक्टिव सेगमेंट में हमने कॉन्सेंट्रेट कर लिया वो उसका एक पैटर्न बन गया हमने मार्केट स्पेशलाइजेशन अचीव कर लिया या फिर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन अचीव कर लिया या फिर हमने फुल कवरेज कर दिया दैट इज़ बेसिकली टारगेटिंग टारगेट मतलब क्या है हम एक स्पेसिफिक एरिया को टारगेट कर रहे हैं या हम या पूरा पॉपुलेशन को टारगेट कर रहे हैं डिपेंड करता है तो ये जितनी सारी चीज़ें अभी तक हमने डिस्कस की डिज़ ऑल आर रिलेटेड विद योर मॉड्यूल नंबर वन तो मॉड्यूल नंबर वन में ये सारी चीज़ें आप अगर एक बार गो थ्रू कर लोगे तो फिर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके ऑब्जेक्टिवस के भी क्वेश्चन सही हो जाएंगे एज वेल एज जो थियरी क्वेश्चन आएंगे वो भी सही हो जाएंगे अब हम हमारे मॉड्यूल नंबर टू में जाते हैं मॉड्यूल नंबर टू की अगर हम बात करें तो मॉड्यूल नंबर टू में बेसिकली मार्केटिंग मिक्स एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको यहाँ से याद रखना है अगर हम मार्केटिंग मिक्स की बात करें मार्केटिंग मिक्स है ब्रांडिंग भी इसमें इसी का पार्ट है तो बेसिकली फोर पीज आप सभी को पता होगा प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन एंड सर्विस मार्केटिंग में uh, people, तो रिसेंटली थ्री पीज ऐड हुए हैं पीपल प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस तो टोटल अगर हम बात करें तो मार्केटिंग मिक्स के चार पीज है और सर्विस मार्केटिंग में और थ्री पीज ऐड हुए हैं प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन आपके मार्केटिंग के हो गए पीपल प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस ठीक है तो अगर हम ध्यान से देखें तो एलिमेंट्स क्या है फोर पीस आप सभी को पता है प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन और अगर हम हमारे मार्केटिंग में रिसेंट ट्रेंड्स की बात करें तो और भी ऐड हुए हैं जैसे कि पेस है जैसे कि पैकेजिंग है, है ये भी अभी ओवरऑल uh, रिलेट करता है मार्केटिंग से रिलेटेड ही है ये सारी चीज़ें फिर आपका पोजिशनिंग है ये भी इम्पॉर्टेंट है फिर फिजिकल एविडेंस है फिर पीपल है पीपल हो या फिर फिर फिजिकल एविडेंस है तो ये मैंने अभी आपके साथ डिस्कस तो कर ही लिया फिर आपका प्रोसेस है तो ऐसा नहीं कि अभी सिर्फ फोर पीज ही होता है फ़ोर पीज बहुत टाइम से चला आ रहा था और रिसेंटली अभी ये सारे पीज भी इसमें ऐड हो गए पेस है पैकेजिंग है पोजीशनिंग है पीपल है फिजिकल एविडेंस है प्रोसेस है तो वो भी आपको याद रखना है तो आपको मार्केटिंग मिक्स का इम्पॉर्टेंस पढ़ के जाना है मार्केटिंग मिक्स के इंपॉर्टेंस क्या है वो भी आपको ध्यान से उसके रिलेटेड पॉइंट्स को पढ़ के जाना है अगर हम इसके बाद बात करें तो प्रोडक्ट से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें हैं तो पी फॉर प्रोडक्ट है फिर एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आप सभी को पता होना चाहिए उसके बारे में एंड दैट इज अबाउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ठीक है प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल आपको पढ़ना है इसमें ना प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के स्टेजेस होते हैं ठीक है थीके? जब भी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसके स्टेजेस होते हैं सबसे पहला जो स्टेज होता है हमारा दैट इज डेवलपमेंट स्टेज ठीक है डेवलपमेंट डेवलपमेंट स्टेज होता है फिर हम उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं हम उस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो इंट्रोडक्शन स्टेज इज द सेकेंड स्टेज फिर वो प्रोडक्ट अच्छा मार्केट में चलता है तो उसमें आता है ग्रोथ तो ग्रोथ होता है फिर उसके बाद क्या होता है उस प्रोडक्ट का मैच्योरिटी हासिल हो जाता है मतलब उस प्रोडक्ट का अभी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहा है वो प्रोडक्ट और एक जगह पे जाके वो प्रोडक्ट स्टॉप हो जाता है उसका ग्रोथ स्टॉप हो जाता है और लास्ट में फिर वो प्रोडक्ट का क्या होता है डिक्लाइन है मतलब कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट में लाएंगे तो ये पाँच स्टेजेस से उस प्रोडक्ट को जाना पड़ेगा एंड दिस इज़ नथिंग बट इट इज़ कॉल्ड एज द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल तो वर्नन रेमंड ये आपके बुक में नहीं है मैं आपको एडिशनल बता रहा हूँ वर्नन रेमंड नाम का पर्सन है उसने ये जो थियोरी दिया था एंड द थ्योरी का नाम है पीएलसी थियरी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थियोरी वर्नन रेमंड ने दिया था एंड दैट इज बीन रिलेटेड विद योर फाइव स्टेजेस डेवलपमेंट इंट्रोडक्शन ग्रोथ मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन तो वो आपको यहाँ से पढ़ना है फिर आपको एक कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए एंड दैट इज कॉल्ड एज द कंसेप्ट ऑफ ब्रांडिंग ठीक है ब्रांडिंग के बारे में पता होना चाहिए ब्रांडिंग बेसिकली ब्रांड हम कहते हैं पावर ऑफ ब्रांड काफी इंपॉर्टेंट है ब्रांड नेम बात कर सकते हैं ब्रांड इमेज ब्रांड लोगो जैसे कि अगर आईफोन है तो एप्पल एक ब्रांड बन चुका है पीपल आर रेडी टू स्पेंड एनी अमाउंट फॉर दैट प्रोडक्ट तो कितना भी वो लोग पेमेंट करने के लिए रेडी है तो इसमें से आपको फिर ब्रांड इक्विटी का कंसेप्ट पता होना चाहिए एक आपको पता होना चाहिए ब्रांडिंग के बारे में एक आपको ब्रांड इक्विटी के बारे में पता होना चाहिए दैट इज ऑस द इम्पॉर्टेंट पॉइंट फिर अगला जो पॉइंट है हमारा दैट इज कॉल्ड एज पैकेजिंग ठीक है पैकेजिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए फिर प्रोडक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए एज वेल एज सर्विसेस या सर्विस पोजीशनिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए पैकेजिंग का मतलब पैकेजिंग की अगर बात करें तो कैसा पैकेजिंग होना चाहिए अट्रैक्टिव उसके कुछ एसेंशियल्स है वो आपको याद रखने पड़ेंगे फिर प्रोडक्ट का पोजीशनिंग कैसे होता है वो आपको याद रखना है फिर सर्विस पोजीशनिंग कैसे होता है वो भी आपको याद रखना है मतलब ओवरऑल जो टॉपिक्स बनाए गए हैं ना वो टॉपिक सारे फोर पीस से ही है प्रोडक्ट का अलग से पार्ट हो गया फिर पैक प्रोडक्ट का प्राइजिंग का अलग से एक चैप्टर हो जाएगा फिर आपके प्रोडक्ट के बाद आपका पैकेजिंग का अलग से पॉइंट हो जाएगा तो ऐसे टॉपिक्स uh, को उन्होंने डिवाइड किया है तो आपको सर्विस पोजिशनिंग के बारे में पढ़ना है प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना है एज वेल एज़ पैकेजिंग के बारे में यहाँ पे पढ़ना है फिर नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं एंड दैट इज अबाउट प्राइजिंग तो प्राइजिंग आप सभी को पता है प्राइज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अनलेस एंड अनटिल द कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड विद द प्राइजिंग मॉडल दे विल नॉट परचेज यूर प्रोडक्ट तो प्राइजिंग के ना कुछ फैक्टर्स है ठीक है प्राइजिंग को कुछ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं और इसकी अगर हम बात करें तो इसमें दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं द फैक्टर नंबर वन इज कॉल्ड एज इंटरनल फैक्टर एंड द फैक्टर नंबर टू इज़ कॉल्ड एज एक्सटर्नल फैक्टर मतलब ऐसे कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो प्राइजिंग को अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली एंड ऐसे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो एक्सटर्नली प्राइजिंग को अफेक्ट करते हैं अगर हम इंटरनल फैक्टर्स की बात करें तो मैंने अभी आपके साथ बात किया था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है फिर ब्रांड इमेज है कंपनी के जो कॉस्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कंपनी का जो गोल होता है या फिर कंपनी के जो ओवरऑल जो प्रोडक्ट का नेचर है उस बेसिस पे मतलब ये जो भी सारी चीज़ें अभी मैं बोल रहा हूँ दिस ऑल पॉइंट्स आर बीन रिलेटेड विद द इंटरनल फैक्टर्स और अगर हम एक्सटर्नल की बात करें तो बाहर के फैक्टर्स हैं जैसे कंपटीशन की बात करें फिर गवर्नमेंट का कंट्रोल कैसा है आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज किया है वो कैसा है इकोनॉमिक कंडीशन कैसे है फिर मार्केट में आपके प्रोडक्ट का डिमांड कैसा है उसके बेसिस पे प्राइसिंग डिसाइड होता है तो ये दो फैक्टर्स आपको ध्यान रखने फिर इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है ठीक है, है. है. काफी में वैसे तो बहुत सारी pricing strategies होती उसमें से अगर हम दो-तीन लेना चाहे तो मार्केट पेनिट्रेशन है मार्केट स्कीमिंग प्राइस है ट्रायल प्राइजेस है प्रोब प्राइजिंग ऐसे बहुत सारे होते हैं लेकिन उसमें से मैं आपको दो चीजें बताता हूं एक होता है मार्केट पेनिट्रेशन काफी इंपॉर्टेंट प्राइजिंग मॉडल है मार्केट पेनिट्रेशन और दूसरा होता है स्कीमिंग द प्राइस स्कीमिंग द प्राइस ठीक है मार्केट पेनिट्रेशन एंड मार्केट स्कीमिंग ये दो चीजें याद रखना ऑब्जेक्टिव बनने के चांसेस है मार्केट पेनिट्रेशन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल याद रखना है रिलायंस जियो मतलब हम क्या करेंगे हम हम क्या करने वाले हम सिंपल चीज़ फॉलो करने वाले हम मार्केट में जो प्रोडक्ट लेके आएंगे उसका प्राइस बहुत सस्ता रखेंगे ताकि कॉम्पिटिटर्स ऑटोमेटिकली मार्केट से बाहर हो जाए दैट इज कॉल्ड मार्केट पेनिट्रेशन और स्कीमिंग द प्राइस का मतलब हम जब मार्केट में प्रोडक्ट लेके आएंगे नया तो स्टार्टिंग में उसका प्राइस बहुत ज़्यादा रखेंगे और जैसे हमारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ जाएंगे हमारा प्रोडक्ट और उनका प्रोडक्ट सेम हो जाएगा वैसे हम प्राइजेस को कम करना स्टार्ट कर देंगे दैट इज कॉल्ड एज दी प्राइजिंग स्ट्रैटेजी नंबर सेकेंड विच इज कॉल्ड स्कीमिंग द प्राइज जो आपको ध्यान रखना है दैट विल बी रिलेटेड विद योर मॉड्यूल नंबर टू एंड वी हैव डिस्कस ऑल द पॉइंट्स नाउ लेट अस कम टू अवर मॉड्यूल नंबर थ्री ठीक है मॉड्यूल नंबर थ्री काफी इंपॉर्टेंट है अगर आपको अभी तक आप बने हुए हैं और अगर आपको दो मॉड्यूल्स में क्या क्या चीज़ों के ऊपर फोकस करना है ये अगर समझ में आया है तो एक कमेंट छोड़े लाइक करें वीडियो को और अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर ले बिकॉज ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको हर सेशन में मिलने वाले हैं अगले सेशन में भी मिलने वाले हैं अगले सेशन में भी आपको सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ मैं एंड ऐप तो आप सभी लोगों ने डाउनलोड किया ही होगा जिन्होंने भी ऐप ऐप डाउनलोड नहीं किया है ऐप डाउनलोड करें फ्री का भी बहुत मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल होने वाला है आने वाले टाइम में जो भी पी होंगे वो वहाँ पर सारे में अपलोड करने वाला हो सारे जगह पर जुड़ जाए फेसबुक हो इंस्टाग्राम हो या फिर ऐप हो टेलीग्राम हो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लेट अस स्टार्ट विद अवर मॉड्यूल नंबर थ्री अगर हम मॉड्यूल नंबर थ्री की बात करें तो यहाँ पे आपको फोकस करना है अबाउट द मार्केटिंग डिसीशंस यहाँ पे हम लोग डिसीशंस के ऊपर फोकस करेंगे कि हमें मार्केटिंग में कौन से कौन से ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम यहाँ पे पॉइंट बात करें तो दैट इज़ रिलेटेड विद योर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है फिजिकली जो गुड्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जो डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए आप जैसे कि नंबर फर्स्ट जो टाइप का चैनल होता है वो होता है हमारा ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जहाँ पे हम मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर आप सभी को पता है मैन्युफैक्चर होलसेलर टू कंज्यूमर या मैन्युफैक्चर रिटेलर टू कंज्यूमर ये पूरा हमारा ट्रेडिशनल मेथड है और अगर हम अभी की बात करें कंटेम्प्री डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की बारे में बात करें तो इसमें बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं मल्टी चैनल मार्केटिंग होता है या फिर थर्ड पार्टी डिलीवरी चैनल होता है हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम होता है मतलब ओवरऑल आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स किस तरीके के होते हैं कौन से कौन से होते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए इसके साथ आपको और एक चीज़ पता होनी चाहिए विच इज़ कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट ठीक है सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी आपको पढ़ना है उसका मीनिंग और उसके थोड़े कंपोनेंट्स पढ़ के के रखना दैट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर फिर हमारा जो पॉइंट आता है के बारे में हमने अभी डिस्कस कर लिया अभी हमारा जो पॉइंट आता है दैट इज कॉल्ड प्रमोशन ठीक है प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन तो ये आपके फोर पीस जो है ना यही आपके टॉपिक्स है प्रोडक्ट भी है प्राइस भी है प्लेस भी है प्रमोशन भी है तो प्रमोशन काफी इंपॉर्टेंट है प्रमोशन क्या है हम हमारे प्रोडक्ट को किस तरीके से प्रमोट कर रहे हम लोगों को किस तरीके से परसुवेट कर रहे हैं कि लोग हमारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करें तो इसके कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं प्रमोशन के बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि एडवर्टाइजिंग हम कहते हैं वो प्रमोशन का एलिमेंट है पब्लिसिटी हम कहते हैं वो भी प्रमोशन का एलिमेंट है पब्लिक के साथ हमारे रिलेशनस कैसे है दैट इज कॉल्ड पब्लिक रिलेशन वो भी उसका एलिमेंट है सेल्स हम प्रमोट कैसे कर रहे हैं डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हैं कि नहीं पर्सनल सेलिंग कैसे हो रहा है

मार्केटिंग कम्युनिकेशन आप सभी को पता है कि कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है लैक ऑफ कम्युनिकेशन या बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से डिसीशंस गलत होते हो जाते हैं एंड डिसीशंस गलत होने की वजह से कंपनी को उसका हार्म कर आ, मतलब भुगतना पड़ता है डिसीजन मेकिंग गलत होती है सेल्स पे इफ़ेक्ट हो जाता है तो अकॉर्डिंगली एक प्रॉपर इंटीग्रेशन होना चाहिए प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और उस तरीके से ये जो मैसेज डिलीवर होगा वो मैसेज जो है वो क्लियर और कंसिस्टेंट मैसेज डिलीवर होना चाहिए यही हमारा इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का पार्ट कहता है तो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के एक इम्पॉर्टेंस जस्ट गो थ्रू करके आप रख देना अगर गो थ्रू करके रखेंगे तो दैट विल बी वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू फिर उसके साथ हमारा जो कंसेप्ट आता है विच इज बीन रिलेटेड विथ सेल्स मैनेजमेंट तो सेल्स मैनेजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग ऐसे दो पॉइंट है सेल्स मैनेजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग तो सेल्स मैनेजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में आपको फोकस करना है जो नए नए अभी ट्रेंड्स आ रहे हैं नए नए इमर्जिंग ट्रेंड्स आ रहे हैं इन सेलिंग बहुत सारे अलग अलग तरीके से आजकल सेलिंग होती है पहले तो कैसे जो मार्केटिंग वाला बंदा था वो हर घर पे जाके डिलीवरी करता था हर घर पे जाके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता था बट अभी एन नंबर ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल एंड ड्यू टू दिस एन नंबर ऑफ ऑप्शंस वी कैन सी द रिसट ट्रेंड्स विच आर हैपनिंग इन द सेलिंग पार्ट तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हुआ है इसीलिए आजकल हम ऑनलाइन डिजिटल वे पे शॉपिंग कर पा रहा है दिट इज ड्यू टू दी कंसेप्ट ऑफ टेक्नोलॉजी तो ऐसे आपको इसमें इमर्जिंग ट्रेंड सेलिंग में क्या है या फिर सेल्स मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स क्या है फिर पर्सनल सेलिंग क्या होता है पर्सनल सेलिंग बेसिकली सबको पता ही होगा फेस टू फेस डिस्कशन होता है बिच uh, जो ऑर्गेनाइजेशन का सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है उसके और बायर के बीच में तो यहाँ पे एक बायर है ए और यहाँ पे जो बंदा है बी ये बी जो है वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है ही इज द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव तो इन दोनों का फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होगा तो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं उसी को हम लोग कहते हैं पर्सनल सेलिंग और ये पर्सनल सेलिंग में काफ़ी ज़्यादा स्किल्स चाहिए तो इसके अगर आपके पास स्किल्स होंगे पर्सनल स्किल्स से रिलेटेड या पर्सनल सेलिंग से रिलेटेड तो आप अच्छी तरीके से सामने वाले को इन्फॉर्म कर पाओगे अपने प्रोडक्ट के बारे में और सेल्स कर पाओगे दैट इज़ बीन रिलेटेड विद द पर्सनल सेलिंग कंसेप्ट फिर ये था हमारा मॉड्यूल नंबर थर्ड एंड अभी हम बढ़ते हैं हमारे मॉड्यूल नंबर फोर में जो आपका आखिरी मॉड्यूल है मॉड्यूल नंबर फोर्थ की अगर हम बात करें तो इसमें पूरा का पूरा जो गेम है वो आपके एथिक्स से शुरू होता है एंड आपके मार्केट में जितने भी आपके कॉम्पिटिटर्स है उनके रिलेटेड जो आप स्ट्रैटेजीज बनाते हो ताकि हमारे प्रोडक्ट का ओवरऑल सेल मार्केट में बढ़ जाए एंड दैट इज बीन रिलेटेड विद दैट इज बीन रिलेटेड विद द मार्केटिंग एथिक्स एज वेल एज द कॉम्पिटेटिव स्ट्रैटेजीज तो आपको जो अनएथिकल बिहेवियर होता है या अनएथिकल प्रैक्टिस हम मार्केटिंग में करते हैं वो अनएथिकल प्रैक्टिस को क्या करना है रिमूव करना है अनएथिकल प्रैक्टिस फॉलो नहीं करने हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस फॉलो नहीं करने हैं कुछ एथिक्स रखने हैं हर बिजनेस को एथिक्स होने चाहिए हर बिजनेस के पास वो एथिक्स को फॉलो करने के लिए अच्छा खासा स्टाफ होना चाहिए एंड हर एक ने अगर अच्छा खासा एथिक्स को फॉलो कर लिया तो ये सारे जो अनफेयर ट्रेड या अनफेयर प्रैक्टिसस है वो सारे फिर क्या हो जाएंगे रिमूव हो जाएंगे तो बेसिकली अनएथिकल प्रैक्टिस मार्केटिंग में जो होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है और बिजनेसमैन uh, को अपने एथिक्स को प्रॉपरली लेके चलना है तो अनएथिकल प्रैक्टिस uh, की अगर बात करें तो बहुत सारे अनएथिकल प्रैक्टिसज का आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं जैसे कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है फिर डिस्टोरशन ऑफ फैक्ट्स है कॉपिंग राइवल्स है डिस्क्रिमिनेशन हम करते हैं एक्सप्लॉयटेशन हम करते हैं या स्पैमिंग करते हैं ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे कवर हो जाएगी दैट इज़ बीन कॉल्ड एज द कंसेप्ट ऑफ एथिक्स तो वो आपको ध्यान रखना है फिर नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है जो आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा दैट इज अबाउट कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस ठीक है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ना है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइजेश तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली जो कंज्यूमर रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं तो वो कंज्यूमर रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं वो इनिशियटिव लेते हैं ताकि कंज्यूमर्स को हार्म ना हो कंज्यूमर्स को और कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए आप सभी को पता है कोपरा फॉर्म ऑलरेडी हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में फॉर्म हुआ फिर 1993 में अमेंड हुआ फिर 1999 में अमेंड हुआ फिर 2002 में अमेंड हुआ फिर फाइनली 2019 में नया एक्ट बनाया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. फिर आपको इसमें रिलेटेड पॉइंट पढ़ना है कंज्यूमर कंज्यूमर से रिलेटेड कि कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज जो होती है जो कंपटीशन फेस करने के लिए बहुत सारी कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज जो एक मार्केट के रिलेटेड फॉलो करनी पड़ती है उसके बारे में एक ओवरऑल पढ़ के जाना तो मार्केट नीश जो होता है नीश दैट इज कॉल्ड एज नीश मार्केटिंग तो मार्केट नीश जो होता है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि ऐसे कौन से टेक्निक्स को हम यूज़ करके एक अच्छा खासा कंपटीशन फेस कर सकते हैं देन हमारा जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है विच इज़ कॉल्ड एज रूलर डिजिटल एंड ग्रीन मार्केटिंग ठीक है आप सभी को पता है अभी आजकल पूरा पूरा डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है तो आप ये तीन चीज़ों के ऊपर फोकस करके जाना यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है रूलर मार्केटिंग है जो रूलर एरियाज़ है हमारे वहां पे गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बताएगा डिजिटल जो है ऑलरेडी आपको पता है बहुत सारी चीज़ें अभी डिजिटल मार्केटिंग uh, में चेंज हुई है इसमें ही वो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो आपके पूरे ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग का कंसेप्ट होगा बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं एंड ग्रीन मार्केटिंग बेसिकली है क्या हम ऐसे प्रोडक्ट्स को मार्केट करेंगे या ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाएंगे या ऐसे प्रोडक्ट्स को लोगों को बेचने का ट्राई करेंगे जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो या जो एनवायरमेंट के लिए सेफ हो वो सारी चीजें हमको ग्रीन मार्केटिंग का कंसेप्ट बताता है तो रूलर मार्केटिंग हो ग्रीन मार्केटिंग हो ये सारी चीजें आपको इसमें से पढ़नी पड़ेगी दैट विल बी बीन रिलेटेड फिर कुछ करियर ऑप्शन भी है मार्केटिंग से रिलेटेड लेकिन ये तीन चीजों को आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपका ओवरऑल ये मॉड्यूल नंबर फोर्थ में जो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे दैट इज बीन रिलेटेड विद योर गुलर डिजिटल एंड ग्रीन मार्केटिंग तो दिस पार्ट इज बीन रिलेटेड विद योअर मॉड्यूल नंबर फोर्थ आई होप की एक ओवरऑल ब्रीफ आपको मैंने आइडिया दे दिया है हर एक मॉड्यूल से रिलेटेड कि आपको हर एक मॉड्यूल में कौन से चीजों के ऊपर फोकस करना है डायरेक्टली क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता बिकॉज पेपर सेटर अपने बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन डालेगा तो उसके बेस पर जाओगे तो उससे जो वो आप इजीली पेपर में आंसर कर पाओगे ऑफ मार्केटिंग आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरी वन इफ इट इज क्लियर देन यू कैन लाइक द वीडियो और अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करके रखे जैसे कि आप को अगले जो वीडियोस है वो टाइमली बेसिस पे मिलते रहे थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोस पेपर थैंक यू